जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज है। तो लास्ट टाइम जो है थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था, इस वजह से हमारा जो सेशन है वो दरमियान में हमने स्टॉप किया था। तो हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम चेक कर रहे थे यहाँ पे FBM टारगेटिंग हंटिंग आइटम्स जो आपने निकालनी है, उसका मैं आपको बता रहा था कि आपने क्या करना है। यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप सेल रैंक, अगर तो आपका अकाउंट है पुराना, मतलब कि एक होती है ना दुकान पुरानी है तो बंदा कहता है कि मैं, मेरा एक जो है ना नाम है, मेरा मियार है, मेरा एक काम है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से जो है ना अपनी मर्जी का सेल रैंक लिखते हो। मिसाल के तौर पे मेरा एक जो है ना नाइकी के नाम से एक स्टोर है, ठीक है। तो मैं अपना मियार को देखते हुए मैं अपनी दुकान पे वही वाले आइटम्स रखूंगा जो ज्यादा सेल हो रहे होंगे, ठीक है। तो जो ज्यादा आइटम सेल हो रही होती है उसका BSR हमेशा ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ। सपोज करो 15,000 पे जो भी BSR होता है उसकी एक दिन की जो सेल होती है 20+ यूनिट होते हैं, किसी भी कैटेगरी में आप चले जाओ, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से सेल रैंक लिख सकते हो, 100 भी लिख सकते हो यहाँ पे, 100 1,000, ठीक है, 1,000 भी लिख सकते हो, 1 लाख भी लिख सकते हो, 10 लाख भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन 1 लाख से ऊपर ना जाना, क्योंकि आइटम्स आपको वही वाली मिलेंगी जो कि अनगेट भी आपको करवानी पड़ेंगी। तो मैं अनगेटेड करवाने के लिए एक और नई टेक्निक भी लेके आई हूँ आपके लिए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में भी। और एक और छोटा सा क्लिप बनाऊंगा मैं कोर्स के लिए ताकि लोग उसको देख सकें। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होता है यहाँ पे। क्यों आउट ऑफ स्टॉक होता है? क्योंकि जब भी आप दुकान बनाते हो आप नहीं चाहते कि भाई मेरी दुकान के साथ कोई ऐसा बंदा हो जो कि मेरे मुकाबले का हो। तो यहाँ पे अमेजोन जो है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उसको मैं यहाँ से निकाल दूंगा। थर्ड पार्टी FBA, भाई कोई भी थर्ड पार्टी वाला ना आए जिसका स्टॉक के अलावा किसी और शहर में पड़ा हो और वो यहाँ पे बैठ के मेरी दुकान के पास बैठ के बिजनेस कर रहा हो और मुझे पता भी ना हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह की बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स मैं देता रहता हूँ ताकि आपको समझ आए इस चीज को हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपकी मर्जी है, आप यहाँ से ग्रोसरी करो या कोई और। मैं नहीं कहता कि ये वाली जो है कैटेगरी ये गेटेड है या अनगेटेड है, मैं कहता हूँ सब में जाओ। अमेजोन पूरा ओशन है, समंदर का ओशन है प्रोडक्ट्स का, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी हैं यहाँ पे। ये झूठ है कि इस कैटेगरी में जो है अनगेटेड गेटेड आइटम होती हैं। गेटेड होती हैं वो अल्कोहल्स वगैरह, ये इस तरह की ये मेडिसन या इस तरह की अशिया वगैरह जो होती हैं ये होती हैं गेटेड, ठीक है। वरना बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं मैंने देखे हैं वो अल्कोहल भी सेल कर रहे होते हैं, सारा कुछ सेल कर रहे होते हैं। अब एक अकाउंट है जिसके ऊपर 2,000 की रेटिंग है, उसके ऊपर आप अल्कोहल इजिली सेल कर सकते हो, बस एक सर्टिफिकेट मांगता है अमेजोन आपसे, तो आप सेल कर सकते हो। किसी भी आइटम के ऊपर आपसे वो अप्रूवल नहीं मांगेगा, क्योंकि अब एक दुकान है मिसाल के तौर पे, उसको 2 साल हो गए बने हुए, रोजाना उस पर तकरीबन कोई 50-60 हज़ार की सेल होती है और एक नई दुकान उसके साथ खुलती है। एक बंदा क्रॉकरी सेल कर रहा है, वो भी क्रॉकरी सेल कर रहा है, बर्तन वगैरह, ठीक है। तो जिसका 2 साल पुराना मियार है एक, उसके पास आवाम ज्यादा जाएगी या जो नई दुकान बनाएगा उसके पास जाएगी? वो कहेंगे कि इसकी क्वालिटी है, इसके पास ये तो नई दुकान बनी है, क्या पता इसके पास किस तरह की क्वालिटी है, क्या सेल करेगा क्या नहीं, उसका कोई यकीन भी नहीं करेगा। तो इस तरह के होते हैं वो, स्टार्ट में फिर अपनी सेल को ग्रो करने के लिए जो है इफ्तिताह करता है, सेल लगाता है। सेल लगाने के बाद आवाम को कुछ आइटम्स फ्री में भी देता है कि भाई ये लो चेक करो, उसकी क्वालिटी का आवाम को पता चलता है, उस शहर में उसका नाम बनता है, जितनी जल्दी वो नाम पैदा कर लेता है उतनी जल्दी वो आगे जाता है, ठीक है। इसी तरह से अमेजोन है, एक दुकान है, ठीक है। जब आपके पास ज्यादा सेल आ जाती है, ठीक है, एक तरह से आप कुछ रेटिंग गेन कर लेते हो, मार्केट में अपना नाम पैदा कर लेते हो, तो आपको हर चीज सेल करने की परमिशन दे देता है। ये एक टिप है जो कि मैंने आपको बता दी, बाकी ये सब झूठ है कि इस कैटेगरी में नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है ग्रोसरी में, और ग्रोसरी में हर 2-3 घंटे के बाद जो है मेरे पास जितने भी FBM सेलर्स होते हैं मैं उनको बीट करते हुए फर्स्ट टॉप पे रहता हूँ किसी ना किसी अकाउंट से, ठीक है। तो ग्रोसरी में, हाउस होल्ड में, पेट सप्लाईज में, ठीक है। कल मैंने आपको एक टिप दी थी कि साइड पे एक जो एक ड्रॉप शिपर होता है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में सेल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक ना एक पॉइंट पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें कवर कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके। हम आज लोग कर लेते हैं होममेड प्रोडक्ट पे। कल मैंने आपके सामने जो है सप्रेस हंटिंग जो मेथड किया था, ठीक है, इसी वीडियो में मैं एडिट करके इसको जब यूट्यूब पे लगाऊंगा, ठीक है, तो वो मेथड भी इसमें है, ये सप्रेस हंटिंग वाला बहुत जबरदस्त मेथड है। ये मेथड आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं, किसी को
मैंने जिस बंदे से सीखा है तकरीबन मैंने 4 महीने उसके पास काम किया, उसके बाद जाके ये मेथड उसने मुझे बताया था, सप्रेस हंटिंग। नया अकाउंट हो ना उसके ऊपर सेल गेन कर, सेल आती ही नहीं है उसके ऊपर, सेल करने के लिए सप्रेस हंटिंग करो, दिन रात एक कर दो, सप्रेस हंटिंग वाली आइटम्स निकालो ठीक है, और ये इनको अनगेट करवाओ, अनगेट करवा के लगा दो, आपका अकाउंट 1 महीने में तैयार हो जाता है। 1 महीने में कोई होलसेल करने की जरूरत नहीं है, कोई FBA करने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। अगर कोई 1 करोड़ भी देता ना मुझे कि एक सेशन कर लो और ये बता दो कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये टेक्निक इसी लेक्चर के अंदर छुपी है। कल मैंने आपके सामने सप्रेस हंटिंग के 3 आइटम्स निकाले थे स्टार्ट में, तीनों के ऊपर $3 से ज्यादा का प्रॉफिट था, आप इसके ऊपर करो ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पुराना अकाउंट है, मुझे उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने हैं ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताऊं आपको, यहाँ भी ऐड कर ही देता हूँ। अच्छा आजकल क्या चल रहा है, जो गोरे क्लाइंट्स होते हैं वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जब आप उनको पैसा बना के देते हो। अब एक गोरा क्लाइंट आया मेरे पास, उसने कहा कि भाई मैंने मेरे पास 3 अकाउंट्स हैं, LLC सारा कुछ हुआ हुआ है, थोड़ी बहुत रेटिंग है। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। मैंने कहा क्या चाहिए, पैसा चाहिए या एक एसेट चाहिए? उसने कहा मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा कि मैं सप्रेस हंटिंग करूंगा तुम्हारे लिए, सप्रेस हंटिंग मैंने समझाई उसको। समझाने के बाद मैंने कहा तुम्हारे अकाउंट के ऊपर सारे ऐसे आइटम्स लगा रहा हूँ जिनके ऊपर धड़ाधड़ सेल आएगी, लेकिन अमेजोन इनवाइसिस मांगेगा, अमेजोन और जो ब्रांड जिसको हम टारगेट कर रहे होंगे वो भी इनवाइसिस मांगेगा, क्योंकि सारी की सारी सेल तो हम ग्रैब कर लेंगे एक दिन की, बाकियों के पास सेल तो जाने नहीं वाली, क्योंकि रेटिंग हाई फाई रेटिंग वाले आइटम्स आप निकाल लेते हो ठीक है। रेटिंग वाले हमारे पास आइटम्स होते हैं 24 घंटे में, जिनके 100 100 ऑर्डर्स भी आते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको अपने अकाउंट के ऊपर दिखाया था कि किस तरह से ऑर्डर्स आ रहे थे, अच्छा तो उसके ऊपर रेटिंग भी आपने देख ली थी। हम इस तरह के आइटम्स को टारगेट करते हैं, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आते हैं, पैसे पे पैसा बन रहा होता है। एक टाइम आता है जब अमेजोन हमें कहता है कि शो द इनवाइसिस फ्रॉम कहाँ से आप लोग बाय कर रहे हो ठीक है, तो हम अमेजोन को इनवाइसिस शो करवा देते हैं, अमेजोन का अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एक टाइम आता है कि जो है ना वो आपकी इनवाइसिस भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता तुम्हें इतनी ज्यादा सेल आ रही है, तुम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वायलेशन कर रहे हो, तो आपके अकाउंट के ऊपर एक दिन की 400 500 यूनिट की सेल आ रही होती है ठीक है, तो पैसा बन रहा होता है। अकाउंट एक बार सस्पेंड हो गया, दूसरी बार जब सस्पेंड होता है फिर वो नहीं खुलता। ऐसे ही बाजार में जब आपकी सेल पूरे बाजार में, आप जो है क्रॉकरी की आपकी सबसे बड़ी दुकान है ठीक है, अगर तो आपका जो है अगर आपकी क्वालिटी और सारा कुछ अच्छा होगा तो आप टॉप पे ही बैठे रहोगे ठीक है। अगर आप यानी कि अब काफी सारे आइटम्स होते हैं, अमेजोन अलग मार्केट है, वो बाजारी मार्केट है, एक अलग मार्केट है, जब आप लोग अमेजोन के ऊपर सेल करते हो तो कोई ना कोई इश्यू आ ही जाता है, कोई ना कोई जो है यानी कि बायर वो आपको इजीली रिपोर्ट कर सकता है, तो इस तरह के काफी सारे मिलते हैं। हम हर बंदे से ही मत्था नहीं मार सकते कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, लेकिन पूरी टीम बैठी होती है, अकाउंट के ऊपर काम कर रही होती है, हम 4 से 5 महीने इजीली रगड़ा लगा के उस अकाउंट में से 2 2.5 लाख की सेल निकाल लेते हैं। 2 2.5 लाख की सेल निकल गई ठीक है, उसमें से प्रॉफिट निकल आता है इजीली ठीक है। तो ये काम होता है ड्रॉप शिपिंग, ऐसा बिजनेस है, आप इजीली 3 4 महीनों में $40 50 हज़ार का प्रॉफिट निकाल सकते हो ठीक है। अच्छा आप सब लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी या नहीं? मैं 1 मिनट अनम्यूट करता हूँ खुद को, आप लोग मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर होगा आपको या नहीं। हाँ अच्छा भाई सप्रेस लिस्टिंग वो होती है जिसके ऊपर बाय बॉक्स ना तो सेलर के पास होता है किसी, और ना ही अमेजोन के पास होता है। चलो आ जाओ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि सप्रेस हंटिंग क्या होती है, सप्रेस लिस्टिंग क्या होती है। यहाँ पे आके 1 मिनट मैं फिल्टर थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये मैंने पहले अप्लाई किया हुआ है, वो वाली बस आपने निकालनी है लिस्ट, जिसके ऊपर जो बाय बॉक्स किसी के पास भी नहीं होता और सी ऑल बाइंग ऑप्शन आ रहा होता है उसके ऊपर ठीक है। ये देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, BSR लिख देता हूँ 10,000। मैं ऐसी आइटम निकालूंगा आपके सामने जिसकी सेल एटलीस्ट एक दिन की कोई 25 से 30 यूनिट की होती है ठीक है। अमेजोन FBA, उसके बाद नीचे आ जाओ आप, ये ग्रोसरी में गार्डन आउटडोर,
अच्छा एक ग्रोसरी पे क्लिक कर। ये थर्ड पार्टी, यहाँ से इस पे क्लिक कर देना है आपने। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाली देखनी है। बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड मतलब कि जो बाय बॉक्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पास, अगर हो तो थर्ड पार्टी के पास हो, ठीक है, और अनक्वालिफाइड वाली दिखाई। ये लो, ये मैं आपके सामने लिस्ट दिखा रहा हूँ। देखो ये जो आइटम इसने मुझे दिखाई है, इसके ऊपर जो बाय बॉक्स है वो सप्रेस है। एक मिनट, अच्छा ये है सप्रेस लिस्टिंग, ठीक है, ये सप्रेस लिस्टिंग है। इसका जो फिल्टर है मैं अगेन बता देता हूँ, ये फिल्टर आपने अप्लाई करना है एडवांस फिल्टर में आके अमेज़न को निकाल देना है यहाँ से, आउट ऑफ स्टॉक, FBA भी आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। उसके बाद जो नीचे आपने कैटेगरी आपने यहाँ पे लगा लेनी है, मैं यहाँ पे ग्रोसरी निकाल लेता हूँ क्योंकि ग्रोसरी में कल मैंने 4-5 आइटम निकाले थे स्टार्ट में, ठीक है। यहाँ से आल पे क्लिक रहने दो, ठीक है, कोई भी हो लेकिन बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो, और ये डिजिटल्स को आपने निकाल देना है। ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, और बाय बॉक्स जो है ना ये FBA के पास, यहाँ पे इसको नो कर देना है, इसको यस कर देना है, और फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। ये आपको वही वाले आइटम्स दिखाएगा जहाँ पे, बस मैंने शो करवाना था कि जो है अपना कि सप्रेस लिस्टिंग होती क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको दिखाना था। बाकी इस पे लेक्चर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, वो आप देख लेना सप्रेस लिस्टिंग वाला, ये देखें। अच्छा मैं जो है वहां से, हाँ अब देखो आप ये बाय बॉक्स आल सेलर, और पहले ये मैं मिस्टेक कर रहा था, amazon.uk आ रहा था यहाँ पे। अच्छा ये इसके ऊपर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, और ये ग्रोसरी की आइटम दिखा रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो लिस्ट है ना आपके सामने खुली, उस पर यहाँ आ जाएगा सी आल बाइंग ऑप्शन। अब यहाँ पे काफी सारे जो है ना सेलर बैठे होंगे, कोई 4 का, कोई 3 का, कोई 5 का, कोई 10 का, इस तरह से दे रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो कंपटीशन चल रहा होता है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग में ये जो मैंने आपको ये हंटिंग बताई है, आप इसी हंटिंग को अगर फॉलो करते हो तो आपका अकाउंट भागता है सेल के साथ, ठीक है, क्योंकि तो आप टॉप पर बैठे हो, यहाँ पे कंपटीशन तो है नहीं, टॉप पे बैठे हो आप। जो आने वाला होगा वो सबसे देखेगा फास्ट डिलीवर है, और रेटिंग देखेगा, और उसके बाद पॉजिटिव रेट देखेगा और प्राइस देखेगा, उसने ऐड टू बास्केट कर देना है। एड टू बास्केट करेगा, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, यही मेथड है। तो इसके ऊपर जो है आप अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आपका जो बाय बॉक्स है वो किसी थर्ड पार्टी के पास हो, मतलब कि FBM पार्टी के पास हो, अमेजोन के पास भी ना हो और FBA सेलर के पास भी ना हो। अब यहाँ पे सपोज करो कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई सेलर, ठीक है, तो यहाँ पे जो टैब है ये साइड वाला, ये साइड मैन्यू, यहाँ पे लिखा हुआ आया था कि बाय बॉक्स जो है फलां सेलर के पास है, सोल्ड बाय और सेल बाय। अभी सपोज कर लो कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये इस सेलर के पास होगा, इसका नाम है ट्वाई वंडरलैंड, ठीक है, इसके पास होगा। अगर इस लिस्ट के ऊपर अगर बाय बॉक्स आया भी तो इसके पास आएगा, क्योंकि ये सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है। तो ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 1 क्या है, सप्रेस लिस्टिंग। आप मैं सप्रेस लिस्टिंग को ज़्यादा फॉलो करता हूँ, अगर वो काम ना करे
मैं एफबीएम को फॉलो करता हूँ, अगर वो काम ना करे तो फिर मैं ये वाली फॉलो करता हूँ, क्या कहते हैं अपना, स्नैपिंग वाली, ये स्टोर स्नैपिंग, स्टोर से हर चीज़ चुरा लो, ठीक है। अच्छा एफबीएम वाली जो है वो मैंने आपको दो तीन आइटम्स निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ताकि समझ आ जाए आपको। आप यहाँ पे आ जाओ एडवांस फिल्टर में, ये मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, और यहाँ पे जो ऑल किया ना मनी, ये थर्ड पार्टी कर दो यहाँ से, बस बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, अगर आपने करना है अनक्वालिफाई कर लो, बाय बॉक्स यस करना है तो यस कर लो। मैंने ऑल पे क्लिक कर लेता हूँ। ये 1,74,000 आइटम्स हैं जो कि एफबीएम पार्टी सेल कर रही है, कोई अमेजोन का लेना देना नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये देखो कितने प्रोडक्ट्स हैं ये, तो आप सर्च करो, मैं हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रोडक्ट ना मिले इनमें से। अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मेरे सामने ही आइटम आएगी, ये देखो, ये कल ये आइटम नंबर 1 पे रहती है हमेशा, ये यहाँ पे मिल रहा है पैक ऑफ 24 का, ये सप्रेस लिस्टिंग में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने उसके ऊपर बाय बॉक्स आल किया था कि वो सप्रेस वाले भी दिखाए और जो सप्रेस नहीं है वो भी दिखाए। हम नीचे चलते हैं, ये उन पे तो कंपटीशन ही बहुत है भाई, आधे घंटे बाद देखना पड़ता है कि क्या प्राइस चल रही है, लेकिन आधे घंटे में 4-5 ऑर्डर आपके पास आ जाते हैं। अच्छा ये अच्छा जो FPM होगा वो मैंने आपको बता दिया, जो लास्ट कल वाला लेक्चर था ना उसमें मैंने FPM को क्लियर कर दिया था। अब मैं आपको मजीद बताता हूँ कि जो स्नैपिंग होती है, स्टोर स्नैपिंग, वो कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने जो नंबर 1 पे बैठा होगा ना जो सेलर, या उसका आपने ये उसका पूरा स्टोर का नाम है। अब इसकी रेटिंग देख लो 3837 है, तो मैं इसके स्टोर को विजिट करूंगा, इसके स्टोर को विजिट करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे आ जाऊंगा। प्रोडक्ट्स पे आके ये हम आप मेथड नंबर 3 जो है ये डिस्कस कर रहे हैं, स्टोर स्नैपिंग, ठीक है, हम इसको भी फॉलो करते हैं। अच्छा अभी ये यूके वाला ही मैंने खोला है, तो .com वाले पे कोई मसला आ रहा है, बस आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना है पहले। इस पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, आज ये एडिशनल लेक्चर था कि आपको मैं मज़ीद क्लियर कर दूं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो है ना ये इस स्टोर की आईडी है और ये मार्केट प्लेस की आईडी है, तो आप इसके स्टोर की आईडी कॉपी करो, कॉपी करके आप आ जाओ कीपा के अंदर। कीपा के अंदर आके आप कैटेगरी पे आपने क्लिक नहीं करना, ऑल रोड कैटेगरी पे रहने दो,
सेल रैंक आपकी मर्जी है, लिख लो। FBA को भी आउट ऑफ स्टॉक कर दो आप। ये देखो यहाँ पे मैं इसकी आईडी लिख दूंगा, और यहाँ से आईडी लिखने के बाद ना, अभी ये वो यूके की आईडी है और ये डॉट कॉम की है, ठीक है। कोई मुझे डॉट कॉम का निकालने दो, ज़रा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा अब ये देखो, ये जो आइटम है इसके ऊपर 13 लोग बैठे हुए हैं, 13 लोग बैठे हैं, और ये सेल कौन कर रहा है, ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ठीक है। तो इसी आइटम को अगर मैं सर्च करूं, ठीक है, तो इसकी जो है दूसरी, यानी कि ये पैक ऑफ 24 है, 128 रेगुलर रोल्स हैं, ठीक है, ये मुझे मिल जाएगा यही वाला आइटम अमेजोन डॉट कॉम के ऊपर। अगर ये मिल जाता है, ये सबसे सस्ता बिक रहा है, अमेजोन सेल कर रहा है इसको क्योंकि, ठीक है, अगर यही वाला आइटम मुझे यहाँ पे मिल जाता है किसी ऐसे सेलर के पास जो इसको 25 की बजाय 48 का सेल कर रहा है, तो जबरदस्त हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे महंगा बिक रहा होगा कहीं ना कहीं पे। ये देखो 36 का सेल कर रहा है, ये है 36 का, वही 128 रोल, ठीक है, और ये वाला सेलर है। देखिए मैंने आपके सामने लिस्ट फाइंड कर ली है, ये मेगा 24, मेगा 128, ये भी 24 फैमिली मेगा 128 रोल। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे जो टॉप पे बैठा हुआ है ये वाला, इसकी स्टोर ये देखो, ये नया सेलर है कोई, ये ड्रॉप शिपर है। फाइंड कर लिया ना मैंने, मुझे पता था इसका 100% इसकी रेटिंग है, सबसे कम प्राइस है, और ये डिलीवर डेट इसकी देख लो, ये सबसे फास्ट शिपमेंट दे दे रहा है, और ये कोई नया सेलर है, इसके प्रोडक्ट्स चुराने का मजा ही कुछ और होगा। अब जितने भी इसने आइटम्स लगाए होंगे उनके ऊपर ये अच्छा खासा पैसा बना रहा होगा। टोटल कितने लगाए, मैं गिनती के 10 आइटम लगाए मैं इसने, ठीक है। आप अब ये बंदा अमेजोन को अमेजोन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस लिस्ट से बाय करके, यहाँ से ये बाय कर रहा है, कितने का बाय कर रहा है भाई, ये देखो ये 25 का बाय कर रहा है और 36 में सेल कर रहा है ये। तो आ जाओ जरा शीट के ऊपर, इसका हिसाब किताब लगाते हैं, ये सेल कर रहा है जनाब, सेल प्राइस आप लगा लो 35.329 सेल प्राइस, और यहाँ पे लिख लेते हैं सेल प्राइस जो है 35.29, 1 सेंट गिराऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे आइटम अपना लिस्ट करना है ना, यहाँ पे ये 36.30 का कर रहा है ना, मैं 36.29 का लगाऊंगा, ठीक है। और परचेज कितने का है, ये इशू क्या आ रहा है, सर, बहुत इजी टू यूज। ठीक है ठीक है, आप म्यूट रखो खुद को अभी। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, देखें ये जो शीट है इसमें नए कुछ फंक्शन ऐड किए हैं। अगर आप लोग अमेजोन से ले रहे हो तो यहाँ पे आके साइड पे आपको ऑप्शन नजर आता है, आप वालमार्ट से ले रहे हो, अमेजोन से ले रहे हो, सैम्स क्लब से ले रहे हो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद परचेज प्राइस आपकी क्या होगी वो आप लिख दो यहाँ पे। अब मेरे सामने ये आइटम नजर आया, मुझे मुझे इसके ऊपर प्राइम की जरूरत है ही नहीं, ये देखो मैंने जो आइटम निकाली है ना, अगर आपके पास प्राइम नहीं है तो आप इसको सिंपल अकाउंट से लोगे, सिंपल से ही आप इसको डिलीवर भी कर दोगे, ठीक है। अब ये 36.30 का है, इसको मैंने अगर सेल करना हुआ 36.29 का करूंगा। ये नीचे एक भाई बैठा है, ये इसको सेल कर रहा है 25 का, इसके पास भाई ये शिपमेंट जो है ना ये लेट दे रहा है, ठीक है, ये जल्दी दे रहा है 30 को, ये बंदा जो है डिस्पैच कर रहा है और 4 को भेज रहा है, और ये 3 को डिस्पैच करेगा, 6 को ये अराइवल होगा इसका, तो इसलिए ये बंदा नीचे है, इसका टॉप पे आ रहा है। तो मैं इसको या तो 25 या 24 का लगाऊंगा या 29 का लगाऊंगा, अपने हिसाब से देखते हुए। आ जाएं जरा शीट के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे जो प्राइस लिखी है परचेज प्राइस वो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, साथ वाली लिस्ट के ऊपर ये मुझे मिलेगा 25.18 का, तो यहाँ पे मैं मनी लिख लेता हूँ 0.18, 25 पे लगा लो आप। यहाँ से जो सेल टैक्स है उसको रिमूव कर दो। अच्छा सेल टैक्स रिमूव करने के बाद आप 2 सेंट यहाँ से गिरा दो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ही, तो फिर भी मेरा प्रॉफिट कोई 3.5 के करीब है, ठीक है, 3.5 के करीब।
तो ये मेरे लिए बेस्ट हो गया यहाँ पे। बाकी ये जो शीट है इसके कुछ फंक्शन मैं आपको अलग डेमो में बता दूंगा। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है एक, मैंने रेंडम आपके सामने आइटम निकाला, FBM सेलर जिसके ऊपर बैठ के सेल कर रहा है, और वो कहाँ से ले रहा है, अमेजोन से। ठीक है, तो आप सबके लिए एक टास्क है, आप जितने भी लोग हो आप इस तरह का एक एक आइटम ढूंढ के दो मुझे। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपने इस तरह का एक एक आइटम ढूंढा है। आप ढूंढ के दो मुझे, तो आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होगी इसमें। ठीक है, टास्क है एक आपके लिए, एडिशनल है ये, अगर आप कर लेते हो तो आप कल को इसी काम को किसी क्लाइंट को शो करवा सकते हो कि ये देखो ये हंटिंग मुझे आती है। और अगर प्राइम नहीं भी है ना, तो हम इस तरह के आइटम्स भी ढूंढ के आगे कर सकते हैं सेल। ठीक है, ये मेरे जहन में वैसे आया तो मैंने आपको शो करवाया। ये अमेजोन यहाँ पे सेल कर रहा है इसको 25 का, और सेम यही आइटम सेल हो रही है यहाँ पे 36 की, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम आइटम है। इस तरह का आपने कोई एक एक आइटम निकाल के देना है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप जो है हंटिंग में एक्सपर्ट हो रहे हो। ठीक है, आज के सेशन का एक ये फायदा हो गया आपको। तो अब हम कर रहे थे प्रोडक्ट स्नैचिंग, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो टॉप वाला है उसका मैंने स्टोर ओपन किया था आपके सामने, ये रहा उसका स्टोर। ये अब इसके आइटम निकालते हैं, ये जितने भी हम रैंडमली वन बाय वन ओपन कर लेते हैं। ये सोल्ड बाय अमेजोन के साथ चिपका हुआ है, हमने सोल्ड बाय अमेजोन वाला नहीं देखना, ये वाला देख लेते हैं। ये पैक ऑफ फोर सेल कर रहा है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये स्टोर तो मैंने उसका ओपन किया हुआ है, इसको मैं, ये 65 का सेल कर रहा है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है, इसको छोड़ दो आप। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं, एक वाइज वाला फिर आ गया। इसको इसको अगर आपके पास कीपा नहीं है आप रैंडमली इसको ओपन कर सकते हो, ऊपर भी नहीं है। मैं भी ये होलसेल कर रहा हूँ, फ्रंट पे बैठ के या ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ कोई भी, क्योंकि एक नया सेलर है उसके, आपने टारगेट करना है किसी पुराने सेलर को। अभी इसके ऊपर वन FBA सेलर नजर आ रहा है, मतलब कि इसके ऊपर ये खुद ही बैठा हुआ है, ये वाला आइटम ये सेल कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखाया। अब इसका जो स्टोर है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर रहा था यहाँ पे। आपने क्या करना है, सीधा इसके स्टोर में से ये आप इसके ऊपर क्लिक करोगे जब, तो उस आइटम का पूरा टाइटल कॉपी करके देखना आपने। ठीक है, अब ये पैकेज 6 का भेज रहा मैरीलैंड, इसको मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, आपने पूरा टाइटल कॉपी करके फिर आना यहाँ पे, ये स्टोर्स में। अब ये देखो, ये मुझे एग्जैक्ट शो ही है। अब मैंने उसके स्टोर के अंदर से निकाला था ना, तो उसके स्टोर के यहाँ पे कोई आईटी शाइटी आ रही होगी, इस वजह से जो है ना मुझे सही तरह से मिल नहीं रहा। ये देखो यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कोई सेलर सोलर। ठीक है, तो है ये ड्रॉप शिपर ही, ये एक ड्रॉप शिपर ही है। ये एक्सटेंशन मैंने आपको दी हुई है, कौन से वाली, ये DS क्विक व्यू, इसने मुझे बता दिया है ये। अब इसको भी ओपन करके देख लेता हूँ मैं, इसका भी टाइटल उठा लेता हूँ यहाँ से वन बाय वन। अभी मैं ये स्टोर मैंने आपके सामने ओपन किया ना, इसके जितने भी आइटम्स हैं सब के ऊपर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे अपना। टू बैग्स बेच रहे हैं 45, ये रहा 90, इसका कितना था, 90 का सेल कर रहा था, 90 वाला सेल कर रहा था। इसको ओपन कर लो आप लोग, ये ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखो 15 सेलर बैठे हुए हैं, और ये जनाब सेल कर रहा है इसको, ये अमेजोन सेल कर रहा है इसको। ठीक है, और ये कितने का सेल कर रहा है इसको भी देख लेते हैं, 38 का अमेजोन सेल कर रहा है, मे बी फ्रंट पेज के ऊपर। ठीक है, यही आइटम किसी FBM सेलर के पास हो, देखो 45 काउंट 38 का अमेजोन से मिल रहा है, और ये यहाँ पे बैठे हैं ये लोग जो कि इसको 54 का सेल कर रहे हैं। अगर दूसरा आइटम निकाला है मैंने आपके सामने, 54 का सेल कर रहे हैं, 12 सेलर बैठे हैं इसके ऊपर, और
टॉप वाला जो है ये वही बंदा है, ये देखो फैंटिक वर्ड निकाल दिए ना मैंने, तो आप भी निकाल सकते हो। मैं ये स्टोर से, मुझे ना इसका कोई लिंक समझ नहीं आ रहा यहाँ से, ये आप जो है यहाँ से इसका जो स्टोर नेम है वो अगर आप रिमूव कर दो देख के, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। आप सिंपली काम करो, आपको एक फायदा और होगा इसका, आप सिंपली उसका टाइटल ओपन करके ना, ये मैंने आपको जो है ये सेलर इसका नाम आप नोट कर लो, फैंटिक, फैंटिक वर्ड है इसका, ठीक है, 4 की रेटिंग है, और इसके जितने भी आइटम्स है ना सारे निकाल लो आप, और सबके ऊपर ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो वाले आइटम्स हैं जो कि FBM है, FBM, और इनके ऊपर इजीली बाय बॉक्स यस होगा, बाय बॉक्स यस होगा इन सब के ऊपर जो जो आप निकालोगे, तो आप बाय बॉक्स यस है तो आपके पास सेल आ सकती है। सेल कैसे आएगी भाई, ये रेटिंग आप देख लो, 803 की रेटिंग है, और इसका BSR भी देख लेते हैं हम लोग, ये इसका 42,000 का BSR है, तकरीबन जो टॉप पे बैठा हुआ है मेरे ख्याल से वो 9-8 यूनिट की जो सेल है वो जनरेट कर रहा है, मैक्सिमम 8-9-10 की जो रेशो है वो जनरेट कर रहा होगा। चले हम इसका जो है वो भी निकालते हैं, ये है जनाब कौन सी हेल्थ एंड हाउस होल्ड, आ जाओ पता लग जाता है भाई मैं ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। इस सेशन में मैं कुछ एक्स्ट्रा ही कवर कर रहा हूँ, आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, ये टूल किट कि मैं किस तरह से हंटिंग करता हूँ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड यहाँ पे मुझे ढूंढने दो, ये 42,000 के BSR पे काम कर रहा है, 42,000, ठीक है। तो मैं सपोज करो मैं अपने क्लाइंट को खुश कर रहा हूँ, या देखो मैंने क्या कहा था, इसके 8-9-10 के यूनिट सेल हो रहे हैं एक दिन के, और ये देखो ये 8 इसके लास्ट डे सेल हो, मतलब कि कल इसके 8 यूनिट गए हैं, और एवरेज एक दिन की 11 की है, 11 ज़रब 30 कर दो आप कितने बनते हैं, और कितने सेलर बैठे हैं, टॉप वाला जो होगा उसको ज्यादा की सेल जाएगी, तो इस बंदे को सेल जा रही है, ठीक है। इसको भी निकाल तो मैं यहाँ से, अब ये मैंने जो आइटम निकाला आपके सामने ये 90 वाला 2 बैग्स ऑफ 50 यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये वही वाली आइटम आ गई है 2 बैग्स ऑफ 50, ये वाली इसकी लिस्ट है, और ये अमेजोन से बाय करके दे रहा है, इसका हम हिसाब किताब लगाते हैं कितने का दे रहा है, ये 38.98 39 कर लो, 39 में बाय कर रहा है और 55 में सेल कर रहा है, सेल प्राइस 55, और उसके बाद परचेज प्राइस क्या है फिर भूल गया हूँ मैं, 39, 39, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, ये $7 का जो प्रॉफिट है मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं प्राइस देख लूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, अच्छा अमेजोन की फीस ये है, 55 का सेल कर रहा है और 39 का परचेज कर रहा है प्राइम से, और $7 का मार्जिन निकाल रहा है। तो आप जो भी भाई हो, अगर आपके पास पुराना अकाउंट नया अकाउंट है तो आप इस प्रोडक्ट को लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की आइटम आप निकाल के दिखाओ मुझे कि प्राइम के बगैर, अब ये मैंने हंटिंग की है विदाउट प्राइम, प्राइम तो मैंने ओपन किया ही नहीं आपके सामने, अगर आप इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा और आइटम देखें इसके, चलो चेक कर लेते हैं, ये वाला ये कितने का दे रहा था, ये वाला मैरीलैंड वाला, ये मैरीलैंड मैरीलैंड यहाँ पे बिक रहा है 38 का, ये मेरे ख्याल इसकी अपनी जाती लिस्ट होगी, इस कमीशन पे, ठीक है। चले बाकी जो है ये है स्टोर स्नैपिंग, ठीक है, बाकी कीपा के थ्रू कैसे करना है आपने, हम यहाँ से कोई भी जो है ये वाला ओपन कर लेते हैं, इसके ऊपर जितने भी सेलर्स बैठे होंगे सपोज करो, मैंने यहाँ से किसी भी सेलर का जो है वो फाइंड करना है, यहाँ पे मैं कोई अच्छी रेटिंग वाला देखता हूँ, मुझे मिल नहीं रहा यहाँ से अच्छी रेटिंग जिसके ऊपर मैं भी कोई बैठा हो, 6 वाला 4 वाला, देखो ये वही वाला बंदा बैठा है यहाँ पे, इसके ऊपर 51 का सेल कर रहा है, 44 15,
कैटी कैटी मेट सॉल्यूशंस के नाम से एक बंदा मिला है मुझे, इसका मैं स्टोर देखता हूँ। देखो 2000 के करीब इसके आइटम्स हैं, और आप क्या करो इसका, ये उठा लो यहाँ से और यहाँ पे आ जाओ, कीपा पे, डाटा पे आ जाओ। डाटा पे आने के बाद .com, प्रोडक्ट फाइंडर, प्रोडक्ट फाइंडर पे आके आपने सिंपली अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर देना है। अगर आपने यहाँ पे लिखना है BSR तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे गेट कैटेगरी ऑल रोड कर दो, आप कैटेगरी ऑल रोड कर दो, और यहाँ पे इसकी जो आईडी है वो लिख दो। वो लिखने के बाद बाय बॉक्स FBA वाले हम नहीं देखेंगे भाई, हम देखेंगे ये वाले। ठीक है, डिजिटल आइटम्स निकाल दो और इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये आपको आइटम्स दिखाएगा वही वाले जो इसके स्टोर के ऊपर अवेलेबल होंगे। ये सोर्स मैपिंग थी अभी मैंने आपके सामने की, बाकी आप लोग जो है इसको करो, प्राइम पे भी करो, सिंपली भी करो। ठीक है, तो अभी जो है 15 जनवरी के बाद जो है आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपटीशन भी मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा, तकरीबन 10 जनवरी के बाद भी हो जाता है। लेकिन जो हम लोग कब अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, जो वोकेशंस पे होते हैं, वो हम 15 जनवरी के बाद करते हैं, क्योंकि तब अच्छे खासे ऑलमोस्ट जो है रेट गिर चुके होते हैं, अमेजोन सस्ता सेल कर रहा होता है, क्रिसमस में अमेजोन भी हाई फाई प्राइसेस लगा देता है, इसलिए फिर क्रिसमस में जो है कंपटीशन बढ़ जाता है। बाकी एक और मेथड है जो कि मैंने आपसे कहा, वेबसाइट मेथड या मैनुअल मेथड भी कह सकते हो आप इसको। आप अपनी मर्जी से चाहे कीपा से कर लो, आप चाहे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाओ, मतलब कि जैसे वेबसाइट कौन सी, यहाँ पे ले ईबे ले लें। ठीक है, ईबे पे आप जाओ, ईबे पे आप सर्च कर लेते हो कोई आइटम और उसको आके अमेजोन पे सर्च करते हो, या गूगल पे आप कोई आइटम देख लेते हो, मिसाल के तौर पे वेजिटेबल चॉपर, उसको आप जाके अमेजोन पे देखते हो। ये है मैनुअल हंटिंग वेबसाइट मेथड। ठीक है, और इसी मेथड को हम लोग कीपा पे भी अप्लाई करते हैं। मैं आपको फिल्टर बता देता हूँ, करना आप लोगों ने, हंटिंग में आप लोग एक्सपर्ट तो हो चुके हो, इतनी सारी वीडियोस बना ली हैं हम लोगों ने, तो ये मैं आपको कीपा का फिल्टर बता देता हूँ। ये बहुत कमाल का फिल्टर है, एक मैंने खुद ऐड किया है, उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ आएगी। यूके यहाँ क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिल्टर जो है ना वो आप देख लेना। अच्छा, अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देना, हमने आपने अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। FBA को भी कर देना आपने, FBA को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देना। ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो वहां पे कैटेगरी का आएगा, कैटेगरी आपने ऑल रूट भी रख सकते हो और आप वहां से अपनी मर्जी की कैटेगरी भी उठा सकते हो। उसके बाद आप जब आप नीचे जाते हो तो वहां पे बजट का आता है कि जो है रेटिंग कितनी होनी चाहिए। रेटिंग आप लोग 3.5 से अबव की देखोगे। ठीक है, 3.5 से अबव जितनी मर्जी हो। अच्छा, उसके बाद जब आप नीचे जाते हो तब आपसे वो पूछता है कि वेट कितना हो आइटम का, तो यहाँ पे आपने लिखना है कि मिनिमम जो है तकरीबन मैक्सिमम 2 लिख दो या मैक्सिमम 3 लिख दो, 3 से ज्यादा का ना लिखो आप, मैक्सिमम 3 होना चाहिए यहाँ पे, 3 kg वेट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है जब आप नीचे जाती हो तो डिजिटल आइटम्स आपने छोड़ देनी है, डिजिटल आइटम ये आपने छोड़ देनी है। और उसके बाद जब आप नीचे जाती हो तो आपको वहां पे, मैं भी यहाँ पे कीपा चल गया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इशू कर रहा है। अच्छा, ये देखो, आप अपनी मर्जी का सेलर रैंक भी लिख सकते हो यहाँ पे। सेलर रैंक लिख दोगे आपको हाई फाई आइटम्स मिलेंगी, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 50,000। ठीक है,
50,000 तक का जिनका है वो मुझे दिखाओ। अब मैं यहाँ से जो मैनुअल एक मेथड होता है वो आपको बताने लगा हूँ। FBA और यहाँ पे थर्ड पार्टी हो हमारे पास, हमने FBM करना है। ड्रॉप शिपिंग होती ही FBM है। आज कोई भाई सवाल कर रहा था, मैं अगर पांच या पांच आइटम FBA कर लूँ बाद में उसको FBM कर लूँ, तो इस तरह से नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग में अगर आपने करना है तो आप देख लो ऐसी आइटम आप ढूंढो तो जिसके ऊपर आपको पता है कि आपने स्टेबल रहना है, आपकी प्राइस स्टेबल रहेगी आने वाले 10-12 दिन, तो आप उसके कोई 100 यूनिट आप FBA कर देते हो। FBA चले जाते हैं आपके यूनिट, तो आपको आपको पता है, पता लगा लो कि ये जो आइटम है इसके ऊपर मैंने जो स्टेबल रहेगी मेरी प्राइस पहले 10 दिन, इसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं आने वाला। मतलब कि दो एक सेलर बैठे हुए हैं और आपको $2-3 का प्रॉफिट हो रहा है और आप टॉप पे बैठे हो, ठीक है। या तो अगर आप लॉस बेयर कर सकते हो तो आप FBA कर दो। मैं अगर आपको बताऊँ, मैं तब जाके FBA करूँगा जब मेरे पास कोई ऐसा आइटम मौजूद होगा जिसके ऊपर मुझे $7 से $8 का प्रॉफिट होगा और वहाँ पे कोई 3-4 सेलर बैठे होंगे या 2 सेलर बैठे होंगे, इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैं कोई तकरीबन 50 या 80 यूनिट उसके FBA करवाऊंगा। फिर बाद में जब वो सेल हो जाएंगे फिर उसी लिस्ट को कन्वर्ट कर दूंगा FBM में, ठीक है। ये मैं तरीका कर सकता हूँ। अगर आप सोचो कि एक टाइम में FBA भी हो जाए और एक टाइम में FBM हो जाए, तो इसके लिए आपको अलग लिस्ट बनानी पड़ेगी और वो फिर प्राइवेट लेवल में आ जाता है, तो उस तरह से ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग हमेशा FBM की जाती है। FBM आप बैठते हो, देखते हो ऑर्डर आ गया तो तीसरे बंदे से लेके आगे शिप आउट कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये यूज आइटम भी नहीं देखूंगा मैं, लाइटनिंग वाले भी नहीं देखूंगा, वेयर हाउस वाले भी नहीं देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो अगर आपको कोई और लगाना है तो। यहाँ पे ऑल रोड कैटेगरी भी कर सकता हूँ मैं और अपनी मर्जी की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल ऑल रोड कर लेते हैं हम लोग, बहुत बार ग्रोसरी को देख लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे करंट ऑफर वो भी आप लगा सकते हो। उसके अलावा ये सब कैटेगरी इसको ये ऑफर काउंट इसको। अच्छा, यहाँ से थर्ड पार्टी कर दो आप, बाय बॉक्स से लगा और FBA वाले निकाल दो, डिजिटल आइटम्स निकाल दो आप, वेरिएशन वेरिएशन वाले भी शो करवा दे आपको। लास्ट प्राइस अगर आप चाहते हो कि उसकी जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पे लिख दो। तो उसके बाद पब्लिशन डेट, सेल रैंक, रिव्यूज़ जो हैं वो आपकी मर्जी का लिख सकते हो कि इतने से लेके इतने होने चाहिए, ठीक है। अलाउएबल वैल्यू फॉर्मेट और अलाउएबल रेंज, यहाँ से आप अपनी मर्जी की जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि मैं कोई ऐसी आइटम देखने जाता हूँ जिसके ऊपर कोई 15,000 से अबव के रिव्यूज़ होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो लिख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो पांच आपको नज़र आ रहे हैं, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट, ठीक है, ये लगे रहने दो क्योंकि मे बी कोई हमें ऐसा आइटम मिल जाए ये जिसके ऊपर ऑफर लगी है। इसमें से हम सिर्फ ये वाला जो फिल्टर है इसको निकाल दें, ठीक है। और उसके बाद जो ये प्राइस पैक, इसको छोड़ दो, पैकेज ना मेंशन इसको भी छोड़ दो। हाँ, वेट जो है वो आप कर सकते हो। वेट का मैंने आपको बताया था कि 3 kg जो है यहाँ पे LB लिखा हुआ है, तो आप LB को 3 kg में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और ये है पैकेज का वेट, मतलब कि वो डब्बे में पैक होगी उसका जो पूरा वेट है वो क्या होगा, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आइटम का वेट लिखना आपने वहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है बस यहाँ से ये अडल्ट आइटम को निकाल दो आप लोग। ये फिल्टर है मैनुअल हंटिंग के लिए और वेबसाइट मेथड के लिए। ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो कि आपको किसी भी वेबसाइट से आपको आइटम निकालना है कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें सेल करता हूँ, कोई भी आइटम आप निकाल लो, मतलब कि ईबे से, वॉलमार्ट से, कोस्को से, ठीक है। ये वेबसाइट मेथड है। इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये कितने आइटम पड़े हैं, कोई 3,75,000 इस तरह के आइटम्स पड़े हैं इसके ऊपर, इसकी अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो इनको मैं सर्च करूँगा, सर्च करके यहाँ पे मुझे ईबे का ऑप्शन तो मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास एक एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल है प्राइस लिंक, मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की है प्राइस लिंक, जो कि मुझे बता देगी कि ये आइटम कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। इसके ऊपर सेलर भी हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रही है ये, और FBM सेलर है तो इसको आप सर्च कर सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं इसका टाइटल कॉपी करके
इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, ये 20 की सेल हो रही है और इसकी रेटिंग देख लो ये कोई 1 लाख से ऊपर है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा हो सकता है क्या नाम अपना कंपटीशन। रेड शर्ट है ये, 1,13,000 की ये पहले वाली है, ठीक है ये 11 में बिक रही है। और वो वाला जो कलर है मुझे नहीं पता कितने का बिक रहा है, वो मैंने डायरेक्ट किया था, ये वाला कलर था आई थिंक। तो भी ये आप लोग देख लेना, मैंने आपको मेथड बता दिए, तो ये इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो आप जो है अपनी मर्जी की किसी एक एक कैटेगरी में भी आ सकते हो, ऑल आउट कैटेगरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ठीक है, टाइम आप लगाओगे तो आप मुझसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। मेरे बहुत सारे जो हैं भाई हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि मुझे आगे बता रहे होते हैं सर ये मेथड अप्लाई किया, ये आइटम मिली है, ये आइटम मिली है। क्रिसमस में भी कर रहे होते हैं वो, हम तो क्रिसमस में नहीं करते, वो क्रिसमस में भी अच्छा खासा मार्किंग निकाल रहे होते हैं। तो हर बंदा आके मुझे बताता है, किसी ना किसी बंदे से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, रिसर्च करो आप उसके बाद आप देखो। जैसे ये प्राइस लिंक एक है, ये मुझे बता रहे हैं देखो कि ये जो है ईबे पे बिक रहा है 22 का, वॉल ग्रीन जी एक वेबसाइट है उसका मिल रहा है 21 का, और ये वीटा कॉस पे मिल रहा है 24 का, ठीक है। तो अब देख लो, अगर मिसाल के तौर पे मैं किसी भी होलसेलर से रिटेलर से उठाता हूँ, बोल करो ये वाल ग्रीन जो है एक रिटेलर है, इससे मैंने माल उठाया अपना, उठा के मैं इसको अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है, ये 54 का, ठीक है, यहाँ पे 54 का सेल हो रहा है। तो ये जहाँ जहाँ पे अवेलेबल होगा ये आप डिफरेंट वेबसाइट मेथड को उठा के कर सकते हो, किसी भी रिटेलर से, किसी भी होलसेलर से कर सकते हो आप। अच्छा, उसके बाद एक और बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि इनवाइसिस का जो इशू है, जब आप आइटम लगाते हो तो आपको वो कहते हैं कि भाई अप्रूवल मांगते हैं नए अकाउंट के ऊपर। मैंने आज एक वॉइस नोट सेंड किया था, ठीक है, वो एक भाई कह रहे थे कि मैंने पुराने अकाउंट के ऊपर जो है उसको देखा है, उस प्रोडक्ट को वो लग रहा है, लेकिन नए अकाउंट के ऊपर वो अप्रूवल मांग रहे हैं। नए अकाउंट के ऊपर अप्रूवल क्यों मांग रहा है, वो मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि अगर आपकी दुकान नई नई ओपन हुई है तो आवाम क्वालिटी मांगती है, आवाम आपके बारे में कमेंट्स मांगती है कि भाई जो दुकान खुली है बाजार में वो किस तरह की है। तो लोग अगर अच्छे रिव्यूज देते हैं तो आवाम जाती है उसके पास। तो इसी तरह से अमेजोन भी आपसे मांगता है, इनवाइसिस मांगता है कि आप कहाँ से ले रहे हो, वो चेक करता है। अगर आप चाइना से ले रहे हो तो वो आपको अप्रूवल भी दे देता है, सारा कुछ दे देता है। और 2 दिन और वेबसाइट्स में आपको बताता हूँ, चलो आज ही आपको तोहफा देता हूँ मैं। ये है एक वेबसाइट फनल गुरु, ये गूगल पे आप सर्च कर लो। इसकी जो है ना वो इनवाइसिस अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है। आप नीचे आ जाओ यहाँ पे, ये इनके रेट देख लो, ग्रोसरी में ये सारा कुछ आपको देते हैं, ठीक है, ये आपको इनवाइस बना देंगे, आपका एड्रेस वगैरह, बिलिंग एड्रेस आपका। मैं आपको एक इनवाइस दिखाता हूँ, ये मैंने ओपन की हुई है, आपने सारा कुछ नाम आपका, आपके स्टोर का यहाँ पे, ठीक है, इनको बताना है, स्ट्रीट एड्रेस क्या है आपका, जो अमेजोन अकाउंट पे आपने दिया हुआ वो बताना है, और उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड, होम, जो नंबर आपका अमेजोन पे है वो बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है जिसके ऊपर अमेजोन अकाउंट बना हुआ है, इनवाइस नंबर ये खुद आपको बताएंगे, डेट आपको बताएंगे। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लोगो किसी और का लगा हुआ है, इसको आप निकाल दो यहाँ से, यहाँ पे फनल गुरु सपोज कर लो है। अच्छा, उसके बाद ये बिलिंग एड्रेस, ये वाला जो आपने दिया होगा बिलिंग एड्रेस, ये बिलिंग एड्रेस वहाँ पे ऐड होगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगी, अमाउंट टोटल होगी, इस तरह से इनवाइस की बन के आ जाएगी, अमेजोन इनकी एक्सेप्ट करते हैं फनल गुरु वालों की, ठीक है, और उसके बाद चाइना वालों की एक्सेप्ट करते हैं। अब देखो ये फ्री मेथड मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, वो ये क्या खुल गया, 1 मिनट, मैंने आपको जो लास्ट टाइम मेथड बताया था वो फ्री था कि आप चाइना से बनवा लो। अब ये यहाँ पे कितने डॉलर चार्ज कर रहा है, $400 चार्ज कर रहा है ये, ठीक है, सारा कुछ प्रोवाइड करने का, इसको आप स्टडी कर लेना। ये अगर मैं स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ तो उससे अमेजोन अप्रूवल मांग लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आके ये पैकेज लूंगा, ये मुझे सारा कुछ प्रोवाइड कर देंगे इसमें, ठीक है, इनकी वैसे अमेजोन एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे फुल। ये यहाँ पे कह रहा है वन टाइम ऑफर ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट विल टेक 3 to 5 days टू वर्क ऑन द एप्लीकेशन, ये आप रीड कर लेना, और ये आपको सारा कुछ, यस गेट मी एंड गेट नाउ, देखो ये
वेबसाइट है, एक ये है और एक और है, ये यूके के लिए, अगर आप यूके में काम कर रहे हो तो ये बूस्ट वाली जो वेबसाइट है, ये boost.com, ये है। और उसके अलावा एक और वेबसाइट है प्राइस के नाम से, प्राइस मास्टर। अब ये मैंने आपको पहले जो लेक्चर दिया उसमें मैंने ये चीज नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, क्योंकि भाई पाकिस्तानी लोग हैं, हमें फ्री का जो है चाहिए, हर चीज फ्री में चाहिए, तो हम लोग निकाल भी लेते हैं कि हमें जो है, हम लोग सोचें ट्रिक निकालें तो हम फ्री की ट्रिक इजीली निकाल लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ जी दानिश भाई, मैं आपको दे दूंगा ये शीट जो है ना। अच्छा ये देखिए, ये प्राइस मास्टर है, यहाँ पे आके आप जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उनकी प्राइसेस इनसे कम होती हैं, ये जो मैंने आपको बताया फनल गुरु। ठीक है, तो अब हम इस चीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, मैंने जो है ये अलग से भी अपलोड करना है। ठीक है, तो